हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। NIRF का ये कौन सा संस्करण था, तो ये 9वां संस्करण था। ये कब जारी किया गया, तो इसकी जारी करने की तिथि थी 12 अगस्त 2024। और इसे जारी किसने किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया। अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्रेम होता है और वो क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में किस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। यहाँ ये बात तो हमें क्लियर हो ही रही है कि वो लोकसभा से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं। अब किस सीट से सांसद चुने गए हैं, तो वो संबलपुर ओडिशा से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। समग्र रैंकिंग, यहाँ समग्र रैंकिंग में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि NIRF रैंकिंग का फायदा क्या है या ये NIRF रैंकिंग क्यों जारी की जाती है। तो NIRF रैंकिंग से जो होता है वो छात्रों को शिक्षण संस्थान को चुनने में सहायता मिलती है। जब हम रैंक हो जाती है तो कौन सा कॉलेज किस रैंक पे है, ये छात्रों को अपना कॉलेज चुनने में सहायता मिलती है। अब समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में देश में सबसे अच्छा जो है वो इंस्टीट्यूट कौन सा रहा, तो वो जो है IIT मद्रास जो है लगातार 6वें वर्ष ओवरऑल रैंकिंग में NIRF रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु रहा। तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा। यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में, विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान जो है वो IISc बेंगलुरु का रहा, दूसरा स्थान JNU दिल्ली का रहा और तीसरा स्थान जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का रहा। अब इंजीनियरिंग सेक्शन में जो छात्र इंजीनियरिंग में बैठ रहे हैं उनके लिए जो है पहला स्थान जो है वो IIT मद्रास का रहा इस रैंकिंग में, NIRF रैंकिंग में। दूसरा स्थान IIT दिल्ली का रहा और तीसरा स्थान IIT बॉम्बे का रहा। NIRF रैंकिंग 2024 में मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग में जो है वो एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का जो है इस रैंकिंग में पहला स्थान रहा। PGI चंडीगढ़ का दूसरा स्थान रहा और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का तीसरा स्थान रहा। मैनेजमेंट प्रबंधन के कॉलेजों की श्रेणी में NIRF रैंकिंग में IIM अहमदाबाद का पहला स्थान रहा, IIM बेंगलुरु का दूसरा स्थान रहा, IIM कोझिकोड का तीसरा स्थान रहा। एक GK एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।